ध्वजारोहण की तैयारियां शुरू तैयारियां हो चुकी है। चंद पलों में ध्वजारोहण होने जा रहा है। आदि का विशाश्री माता जी सत्संग का भव्यता तुरमा श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत राजा बाजार जैन मंदिर औरंगाबाद में होने जा रहा है, जिसकी चातुर्मास कलश की स्थापना आज शुरू होने जा रही है। पंचायत के सभी पदाधिकारी उपस्थित है। बिल्कुल सीमित संख्या में यह चतुर्मास कलश स्थापना समारोह मनाया जा रहा है। सरकार के लॉकडाउन के नियमों के चलते और कोरोना में बढ़ती औरंगाबाद में बढ़ती कोरोना की बीमारी को देखते हुए आज इस कार्यक्रम को बिल्कुल सादगी से संपन्न कराने का निर्णय लिया गया है। ध्वजारोहण की तैयारियां शुरू हो चुकी है। पंचायत के अध्यक्ष दलित जी पाटनी एवं सभी पदाधिकारी चंपाया मधुकुचित संजनते संवेद से लेता
ओम ह्रीम
ओम रिमा परम सिद्धाय नमः फलम निर्वपामति स्वाहा। ओम रिमा ध्वज दंडाय नमः इदं जलं गंधं अक्षतं पुष्पं चरुं दीपं धूपं कलं बलिं स्वस्तिकं आश्रितं यज्ञभागं च यजामः प्रतिग्रहीतां प्रतिग्रहीतां अर्घं च समर्पयामि स्वाहा। जय नाथ
धर्म की जय।
आप देख रहे हैं पूज्य माता जी का पाठ प्रक्षालन औरंगाबाद समाज की महिलाएं माता जी का पाठ प्रक्षालन कर रही है। पाद प्रक्षालन का सुंदर नजारा गुरु माँ के चरणों को जल से और चंदन से दूध से प्रक्षालन किया जा रहा है।
किसने लाखों को तारा। किस महामंत्र का जाप करो भव जल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो ओझायाणम नमो रोए सब साहुणम। सावन जी चुड़ीवाल ललित भाई के मोबाइल का मोबाइल ठीक है। हरी का माता जी के चरणों में कमिटी द्वारा चातुर्मास हेतु नमन किया जा रहा है, नरियल चढ़ाया जा रहा है। हे माता जी का विषय श्री माता जी सभी कमिटी मेंबर्स को आशीर्वाद प्रदान कर रही है। सभी कमिटी मेंबर्स माता जी से निवेदन कर रहे हैं, माता जी हमें आशीर्वाद दे, इस चातुर्मास को हम अच्छी तरह से संपन्न कराएं। आज कोरोना के चलते बिल्कुल सादगी से चतुर्मास कलश स्थापना की जा रही है। महिला मंडल द्वारा भी माता जी को नरियल चढ़ा गया है। Sorry, I know you were just about to watch another YouTube video, but before you go, I've got a question. Mm-hmm.
माता जी की अष्टद्रव्य से पूजा संपन्न हो रही है महिला मंडल द्वारा माता जी के चरणों में अष्टद्रव्य के अर्घ्य चढ़ाए जा रहे हैं। अक्षत अर्घ्य कृपया वहाँ आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। वो मत औरंगाबाद जगन्नाथ जी मंदिर के हम शांति की भव्य प्रतिमा मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान निवेदन होता है माता जी का उनका दृश्य दिखाए सावन जी चुड़ीवाल कृपया माता जी की जो अष्टद्रव्य पूजन चल रहा है कृपया उसका दृश्य दिखाए।
सावन जी कृपया माता जी की जो पूजा चल रही है उसका दृश्य लिखा है। चतुर्मास कलश के स्थान को सजाया गया है। यह है आपके सामने चतुर्मास कलश, इसकी स्थापना आज होने जा रही है। जा रहा है
सुन ना स्थापना की कृपया प्रारंभ करने की कृपा करें और हमें चातुर्मास संपन्न कराने के लिए स्वीकृति दे। परम पूज्य रंजनी अरिका गुरु महाविशासी माता जी
जिनको भी कला स्थापना में रुकना है, शांति बनाए रखे, इन पर जाना है जा सकते हैं। और जो है और अंदर में बैठे और बड़ा आराधना करके आपको
अपने जीवन में आनंद मंगल के साथ में सभी अपने कार्यों में लग जाएंगे। मेरी ऐसी ही प्रेरित सबके लिए ऐसा आशीर्वाद है, क्योंकि ये हम सभी का सौभाग्य है, आप सभी का सौभाग्य है। आज हमारे भारत वर्ष में विगतर मुद्रा हमारे प्रांतों में नगरों में क्षेत्रों पर मिश्रण कर रही है, छात्रवास कर रही है, क्योंकि जब हम पूर्व उठाते हैं जिस समय विद्वान नगरों के बारे में जब पढ़ते हैं देखते हैं विद्वान बड़े बड़े थे, रंजनी थे, भगवान भी थे, ज्ञान भी था, लेकिन दिगंबरों के दर्शन और दिगंबरों के दर्शन करने की आचार्यों के आदि के दर्शन ही नहीं चातुर्मास प्राप्त हो रहे हैं, आप सभी का सौभाग्य है। क्योंकि आप ध्यान रखना सबसे बड़ा अगर आश्चर्य कोई है तो कहीं आश्चर्य को खोजने नहीं जाना, जहाँ दिगंबर का दर्शन हो जाए वही सबसे बड़ा आश्चर्य है। इसलिए हमारे आचार्य कहते कालीन कलो चले थे हे चंदा जी की ये तो जिन चमत्कारा जिन रूप आप विश्व में सबसे बड़ा कोई चमत्कार है तो दिगंबर पुत्र में दर्शन ही सबसे बड़ा चमत्कार है। क्योंकि आचार्य जी कहते कालीन कलो चले चित्रे इस महाकाली काल में चित्त मन हमारा चला है, एक पल के लिए ठहरता नहीं है और हमारा शरीर कीट के अंडे का कीड़ा बना हुआ है। रात और दिन भोजन पानी प्यास आदि शांत करने के लिए और भूख शांत करने के लिए दिन में ही नहीं रात में भोजन भक्षण करते, ऐसा जब देख रहे ऐसे समय में ऐसे कल काल में भी हमारे यहाँ दिगंबर पुत्रा के आपको दर्शन हो रहे हैं। जो 24 घंटे में आहार करते हैं वो भी मिल जाए, वो अगर अंतराय का धक्का होता है तो वो भी प्राप्त नहीं होगा। और चातुर्मास में सभी लगभग अगर आप देख रहे हो जगह जगह साधु इतनी साधना रत है, पहले तो योग धारण करते थे, चार चार मास का साधु उपवास करते थे और पहाड़ों की चोटियों पर बैठकर नदियों के किनारों पर पत्थरों पर बैठ करके साधना करते थे। लेकिन आज ऐसी हमारे आचार्य की हमारे भगवान महावीर की आज्ञा नहीं है कि ऐसे जंगलों में पहाड़ों पर साधु साधना करें। आज हमारे महावीर भगवान की आज्ञा यही है जिस मंदिरों में आदि में प्रार्थना होकर ठहर करके साधु अपना अपना चातुर्मास आनंद करें। और हमारा आज यहाँ आप सभी के बीच में जो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है मैं आज चातुर्मास स्थापना करने का जो समय हो रहा है हमें अधिक हो गया है, क्रिया करने का भी समय हो रहा है, सभी के लिए सभी स्थान का ध्यान रखेंगे जाप करने का और कलश के साथ बैठकर जाप करने का तो पापी के बहुत ज्यादा फल प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ सभी लोग बैठ नहीं कर सकते, आज जितने लोग यहाँ विराजमान है वो एक लोगों का मन की पाला करके संकल्प करके जाए कि हमारे सारे परिवार में सभी लोग अपने अपने घर में बैठ करके और एक एक लोगों का कि हमारे भारत वर्ष में ही नहीं जहाँ जहाँ हमारे साधु भारत वर्ष में जहाँ विराजमान है सभी साधु निरोधा के साथ में और अपने आनंद मंगल के साथ में अपना साधना के और आराधना के साथ में ऐसी सभी के लिए प्रार्थना लाएंगे। और यूट्यूब चैनल पर जितने भी कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सभी के लिए मेरा बहुत मंगल आशीर्वाद है कि सभी लोग चातुर्मास के सहयोग सभी कर रहे सभी लोग साधना आराधना के साथ में इस चातुर्मास को मंगल बनाए, ऐसा मेरा सभी के लिए आशीर्वाद है। मैं बोलिए शांति दास भगवान एक-एक तो बंदर भीड़ हो जाएगी। सबसे पहले ये कलर, फिर सेकंड नंबर का।
सावन भाई फोन हैंग हो गया है, कोई वीडियो नहीं आ रही है। सावन भाई हेलो हेलो चातुर्मास कलश स्थापना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
मंत्रोच्चार के साथ कल स्थापना की विधि को पूर्ण किया जा रहा है। Thank you.
हल्दी दे लो हल्दी स्वस्तिक पढ़ लो स्वस्तिक पढ़ लो कल उसमें लूंगा नहीं लूंगा एक मिनट ले नहीं मैं लूंगा लूंगा तब से वो मैं मनी माया मंगल है मैं शाह समर्चा Okay.
बंधु
ओम नमो अरते सर्व रक्षा रक्षा रूम फट डाला डाला Thank you.
एक सेकंड मैं कर जाऊं। हाँ, हेलो भाई सर। हेलो बाप। एक सेकंड में फोटो लें। अच्छा बात करो।
अंकल
गणनी आरिका विशास्त्री माता जी के मंगल कलश स्थापना के दृश्यों को आप देख रहे हो। गणनी आरिका विशास्त्री माता जी सत्संग औरंगाबाद महानगर के श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर राजा बाजार औरंगाबाद में इस वर्ष का हो रहा है। खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत के तत्वावधान में वर्षायु स्थापना के समारोह के हम जूम चैनल के माध्यम से आप देख युवा महासभा के महाराष्ट्र प्रांत के अध्यक्ष साहब को आप तक पहुंचा रहे थे। नंबर जैन पंचायत और ललित जी पाटनी गोहाड़े मनोज जी चंदोड़ा सेठी दिलीप जी ठोड़े आदि सब मान्यवर उपस्थित है। अशोक जी अजमेर महामंत्री औरंगाबाद खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर एक ऐतिहासिक स्थान है। सावन जी चुड़ीवाल भरत जी पापड़ीवाल ललित जी पाटनी औरंगाबाद महानगर की ऊर्जा देवाधिदेव शांतिनाथ भगवान की यमनोहारी प्रतिमा हमें सामने दिखाई दे रही। कहा जाता है कि देवाधिदेव शांतिनाथ भगवान औरंगाबाद महानगर के खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर में बसे और औरंगाबाद में जो विस्तृत समाज है जैन समाज उनके बहुत सुंदर जीवन का प्रारंभ हुआ। इस समाज को बांधे रखने में हमारे पंचायत के ललित जी पाटनी अशोक जी अजमेरा विनोद जी लोहाड़े दिलीप जी कासलीवाल मनोज जी मगरा आनंद जी सेठी ये सारे लोग लगातार प्रयासरत रहते हैं। गणनी आरिका विशाश्री माता जी के वर्षायोग के सौभाग्य औरंगाबाद महानगर के लिए प्राप्त हो रहे हैं। शांत स्वभावी सरल स्वभावी जैन आगम के अभ्यासिका के रूप में परम पूज्य गणनी आरिका विशाश्री माता जी का परिचय समूचे भारतवर्ष के लिए है। आप इन दृश्यों को खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर राजा बाजार को परिसर से देख रहे हो।
भरत जी पाप दीवाल रावण तुम्हारा डिवाइस काम नहीं कर रहा है ठीक से। रावण चुड़ीवाल हाँ भैया मैं प्रवीण लोहाड़े बोल रहा हूँ, आपका डिवाइस काम नहीं कर रहा है ठीक से। स्थापना हो रही है लोहाड़े कलश की स्थापना वहां पर कर रहे हैं सौभाग्यवती मनीषा पाटनी मुख्य कलश की स्थापना वहां पर हो रही है। गणी निहारी का विषय श्री माता जी के बारे में कहा जाता है भैया वो थोड़ा सा ये हो रहा जैन आगम के अभ्यासिका के रूप में आगे नहीं दिख रहे यार आगे नहीं हुए ना बराबर है ना इंजीनियर कलश स्थापना के संस्कारों को वहां पर पूर्ण किया रहा है। परम पूज्य गणी निहारी का विषय श्री माता जी के दर्शन हमें यहाँ पर हो रहे हैं। और कुछ ही क्षणों में परम पूज्य विषय श्री माता जी हमें रूबरू होगी। Thank you.
सावन माता जी की आवाज बिल्कुल साफ नहीं आ रही है भैया, ये ऑडियो अपना ऊपर लगा हुआ है इसके लिए आवाज नहीं आ रही है। नहीं नहीं, आपका आपका जो डिवाइस है, डिवाइस बिल्कुल माता जी के सामने रख दो और माता जी को फिक्स करो वहां पे डिवाइस पर, जैसा आचार्य श्री का करते हैं हम लोग ना, वैसा। वो ऑडियो का विचार मत करो, तुम्हारे तुम्हारे ऑडियो को विचार करो। माता जी के सामने जो टेप ये लगा है ऊपर, वहां पे लगा दो आपका डिवाइस। ठीक है ठीक है। वो साउंड का विचार मत करो उसमें। वर्षा योग के मंगल कलशों की स्थापना हो रही परम पूज्य गणनीयारी का विचार श्री पार्श्वनाथ खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर राजा बाजार में वर्षा योग के लिए विराजमान हो रही है परम पूज्य विशाश्री माता जी के बारे में कहा जाता है कि ये गणनीयारी का जिन आगम की विदुषी कहलाई जाती है। यहाँ पर अशोक जी अजमेरा, विनोद जी लोहाड़े, दिलीप जी ठोले, डॉक्टर रमेश जी बड़जात्या, दिलीप जी दासलीवाल, मनोज जी दगड़ा दीप प्रज्वलित कर आज के इस समारोह को प्रारंभ कर रहे हैं। आइए, आदरणीय प्रकाश जी कासलीवाल भी वहां पर उपस्थित है और दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का प्रारंभ कर रहे हैं। विनोद आदरणीय ललित जी, आदरणीय विनोद जी लोहाड़े, आदरणीय अशोक जी अजमेरा, दिलीप जी पहाड़े, सभी गणमान्य गण वहां पर उपस्थित है। खंडेलवाल समाज अपितु जैन समाज औरंगाबाद को नाज है, ऐसे वे सारे लोग वहां पर उपस्थित है। आइए
सावन से निवेदन है कि कृपया दीप प्रज्वलन के उन दृश्य को ठीक से यहाँ पर बताए ताकि लोग भाई इधर देखो अशोक भाई थैंक यू अस्सी लोग जुड़े मान्य क्यों का हो गया ना अभी कितना बाकी है कर दे वो क्या हो गया ना अभी ललित भाई बोल दे भाई चले का है कह रहा तू चले का बोल रहा है दस बंद कर रहा हूँ रविंद्र जी रोड़े लाइन पे है क्या हाँ बोलो 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 चातुर्मास की मंगल कलश की स्थापना हो गई है अच्छा अच्छा हम यहाँ पे कार्यक्रम समाप्त करते हैं संपन्न हो रहा है कार्यक्रम संपन्न हो गया है कार्यक्रम चलो चलो ठीक है माता जी बोल माता जी के दर्शन करा के यहाँ पे मैं शांतिनाथ बाबा के दर्शन करवा देता हूँ जी 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 इस कार्यक्रम का समापन यहाँ पर हुआ है बड़े ही सुंदर दृश्य को देखने का सौभाग्य हमारे लिए प्राप्त हुआ है मैं बार बार कहता हूँ कि औरंगाबाद महानगर जब से शांतिनाथ भगवान यहाँ पर विराजे है अपने आप में इस नगर की उन्नति देखते बनती है और साथ में हमारे आदरणीय ललित जी पाटनी विनोद जी लोहाड़े अशोक जी अजमेरा दिलीप जी ठोड़े दिलीप जी कास्लीवाल मनोज जी चांदीवाल आनंद जी डीबी कास्लीवाल यमार बड़जात्या डॉक्टर रमेश जी बड़जात्या इन सब के कारण से आज हमारा औरंगाबाद जैन समाज तो मुझे भारत वर्ष में परिचित हुआ है निश्चित रूप से यहाँ की एकता देखते बनती है आइए इस कार्यक्रम का समापन यहाँ पर हुआ है जननी आर्य का विश्वाश्री माता जी के वर्षायोग कलश की स्थापना आज यहाँ पर हुई है मैं आप सबको जानकारी दे दूं कि परम पूज्य गणिनी आरिका विश्वश्री माता जी जो एक बहुत ही विद्वान विदुषी के रूप में जानी जाती है उनका बिल्कुल सरल स्वभाव शांत संयमी जीवन देखते बनता है कहा जाता है कि पूरा संघ अपने आप में एक शांति का प्रतीक महसूस होता है परसों आदरणीय ललित जी कह रहे थे कि दोनों दीदियां भी उनको उनके पास देख करके लगता है कि माताजी के संस्कार कितने उच्च कोटि के हैं अतः ऐसी माँ का वर्षायोग औरंगाबाद महानगर में हो रहा है यह औरंगाबाद महानगर के लिए निश्चित रूप से बहुत ही सौभाग्य की बात है ललित जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन और आपके समूचे टीम का बहुत बहुत अभिनंदन मैं आप सबकी विदा लेता हूँ जय जिनेंद्र